किन स्टॉक्स को अगर आज बाय करना है तो आप क्या बाय करेंगे? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग रेस्ट ऑफ द टीम। देखिए ये आज का मार्केट जो है ना वो बड़ा यूनिक पोजीशन है, अब बहुत फेवरेबल है ऑफ कोर्स, बट जैसे वो आतिशबाजी जब होती है ना तो दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो एक्चुअली आतिशबाजी लगाने में बिजी रहते हैं और एक जो दूर से देख के माहौल को एंजॉय करते हैं। हम लोग ज्यादातर उसमें रहेंगे क्योंकि वैल्यूएशंस इतने स्ट्रेच्ड हैं, गैप अप है, तो आप जेन्युइनली कुछ ज्यादा लेके कमाने की वो चेष्टा कर नहीं सकते। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी आपको अगर कुछ लेना है तो आज के दिन आपको शायद मौके मिलेंगे और इस हफ्ते जो वॉलिटिलिटी रहेगी उसका फायदा उठाने के लिए भी आपके पास एक टैक्टिकल प्ले रहेगा। तो उस लिहाज से अगर दो तीन पॉकेट्स जो मुझे समझ आ रहे हैं अनुज, एक ऑफ कोर्स फाइनेंशियल या बैंकिंग में आप देखिए फ्राइडे के सेशन में भी लास्ट में जाते जाते बैंक निफ्टी ने एक पार्टिसिपेशन थोड़ा दिखाना शुरू किया था एंड वेरी क्लियरली अगर एफआईआई का पैसा आना है तो बैंकिंग में बढ़ के आएगा। उसमें भी पीएसयू बैंक की तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा है, परफॉर्मेंस हमने ऑलरेडी देखा है, बहुत अच्छा आया है इस सारे FY24 के रिजल्ट्स में भी। दूसरा जो पॉकेट मुझे समझ आ रहा है कि बातें हम बहुत कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, सीमेंट लीजिए, रोड कंस्ट्रक्शन लीजिए, आप ये सब लीजिए, लेकिन कई पॉकेट्स हैं जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में से अगर आप देखें उस पर पहल अगले 100 दिन में, एंड आई एम वेटिंग टू हियर लक्ष्मण की कमेंट्री कि क्या वहाँ पे होना की उम्मीद ज्यादा है। बट एक सेक्टर जो मुझे लगता है जो थोड़ा सा अंडर वो फोकस्ड है वो है वाटरवेज का, पोर्ट्स एंड वाटरवेज का। वो अगर हुआ तो, और खास करके ईस्ट में, साउथ में, जहां सरकार को अपनी एक साख बनाने की भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है या जरूरत दिखेगी, वहां पे आपको काफी ये जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स और ये सब है, इसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो एक वो थीम मैंने चुना है एंड बाकी सब चीजें जो हो रही है उससे आपको कंजम्पशन का जो थीम है, जो रूरल कंजम्पशन का जो स्लो डाउन हमने देखा था, वो कहीं ना कहीं एक इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। सो उस लिहाज से एक है। ये तीन पॉकेट्स में से मैंने कुछ स्टॉक्स का चयन किया है, तो आई कैन शेयर दोज विद यू इफ यू आर इंटरेस्टेड। अभी आते हैं प्रकाश जी उन स्टॉक्स पर आते हैं कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले थोड़ा क्योंकि हम एक मैक्रो व्यू पहले पूरा कर रहे हैं उस पर कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। लक्ष्मण जी जुड़ेंगे हमारे साथ और हर्षदा जुड़ी हैं ऑब्वियसली ब्रोकरेज व्यूज़ के लिए। लक्ष्मण जी एक चीज़ बताइए, आप इस समय एक शायद प्रधानमंत्री जी ने एक ब्लॉग भी लिखा है आज सुबह सुबह, पहले तो क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है उसके ऊपर एक बात हो जाए, क्या लिखा है प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री ने एक पूरा कह सकते हैं अपना विचार रखा है और वो विचार है कि आने वाले दिनों में हमारा फोकस क्या रहने वाला है और एक तरीके से देशवासियों को, आम लोगों को इस पूरे अगले फोकस के लिए तैयार रहने की नसीहत दी है। और उस पूरे 4 पेज के ब्लॉग को मैंने पढ़ा तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगला कार्यकाल मोदी सरकार का पूरी तरीके से रिफॉर्म पर रहने वाला है, जो आप कुछ देर पहले चर्चा भी कर रहे तनुज जी, पूरी तरह से रिफॉर्म पर रहने वाला है और रिफॉर्म को लेकर कई सारे मोर्चे पे सरकार कदम उठाएगी, ये साफ तौर से इसमें संकेत मिल रहे हैं। और उन्होंने लिखा है एक लाइन कि हमें रिफॉर्म को लेकर हमारी पारंपरिक सोच को बदलना होगा, इसका मतलब है कुछ नए रिफॉर्म नए तरीके से होंगे, ये तय है। दूसरी चीज़ कि इन्होंने एक बार और रखा है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का विजन सामने रखा है, उसी की तरफ सरकार आगे कदम बढ़ेगी और स्पीड, स्केल, स्कोप और स्टैंडर्ड्स, इन 4 दिशाओं में तेजी से काम करना होगा। यानी हमें लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफ़ी काम होगा, स्केल मतलब बड़े बड़े पैमाने पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बने, उस पर सरकार फोकस करेगी, उसका दायरा बढ़ाएगी। और एक और बात, स्टैंडर्ड पर खास फोकस किया जाएगा। इन्होंने खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जिक्र किया है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जिक्र करते हुए कहा है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्वालिटी पर भी जोर देना पड़ेगा, यानी साफ तौर से ऐसी क्वालिटी जिसका हम एक्सपोर्ट कर सकें, ये एक फोकस रहने वाला है। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के मंत्र को आत्मसात करना होगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्वालिटी एक बड़ा फोकस रहेगा अगले 5 साल में सरकार का। और इन्होंने एक तरीके से 25 साल का एक विजन रखा है। इन्होंने कहा है कि 21वीं सदी में, इन 25 वर्षों में हमें विकसित भारत की नींव रखनी है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे ब्लॉग को पढ़ने के बाद कि बहुत ज़्यादा हलचल रहने वाली है और सरकार बिल्कुल एक कह सकते हैं कि परंपरा से हटकर नए कदम उठाएगी और बड़े पैमाने पर रिफॉर्म पर सरकार फोकस करने वाली है। ओके, इसे कहते हैं वैसे कॉन्फिडेंस। हाँ, वो कल फाइनल पोल की वेट नहीं होगी सैटरडे को। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ट्वीट आ गया था इंस्टेंटली। हाँ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।